हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो वीडियो आज बनेगा हम लोगों को, इसमें 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हमारे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, यदि आप आर्मी और SSC GD किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब रामबाण साबित होगा दोस्तों। और अदर एग्जाम के लिए भी GK का तो कोई नियम होता नहीं है कि इसमें पूछेगा उसमें नहीं पूछेगा, तो ये हर किसी एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा और पूछेगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था दोस्तों? तो यहाँ देखिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे भारतीय सिविल सर्विस में पहले बार चुने गए थे, या भारतीय थे। तो बोला है दोस्तों, दो नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी दोस्तों? तो यहाँ देखिए, हमारा हो जाएगा आंसर डी, मगध। निम्नलिखित में से, तीन नंबर बोला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघा राज्य कहा जाता है, बाघ का राज्य कहा जाता है दोस्तों? देखिए, यहाँ बोला है क्वेश्चन तीन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को बाघ का राज्य कहा जाता है? तो यहाँ देखिए, हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को बाघ का राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। चार नंबर बोला है, न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? तो न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो हो जाएगा महेश भट्ट की। पाँच नंबर देखिए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दोस्तों यहाँ हो जाएगा हमारा दयानंद सरस्वती है। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। सात नंबर देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीतल मरुस्थल कहा जाता है? तो किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा हमारा आंसर सी, टुंड्रा प्रदेश को। आठ नंबर बोला है, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी दोस्तों? तो देखिए, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? तो यह हो जाएगा हमारा आंसर थुरियो से ली थी। नौ नंबर बोला है क्वेश्चन दोस्तों, चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाने वाले वास्तुकार नाम क्या था? तो चंडीगढ़ शहर के नक्शा बनाने वाले वास्तुकार का नाम क्या था? तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कार्बुजियर होगा। दस नंबर बोला है, भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? तो भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहाँ से छोड़ा गया था दोस्तों? तो हो जाएगा हमारा आंसर कोडू से छोड़ा गया था। ग्यारह नंबर पूछा है दोस्तों, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। बारह नंबर पूछा है, भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षणिक कार्यक्रम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायक दी गई? तो दोस्तों, भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षणिक कार्यक्रम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायता दी गई थी दोस्तों? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। तेरह नंबर पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो यह हो जाएगा आंसर हमारा ऋग्वेद, क्योंकि यह सबसे प्राचीन वेद है, यानी कि पुराना वेद है। चौदह नंबर पूछा है दोस्तों, एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन। पंद्रह बोला है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो यहाँ देखिए, हमारा आंसर हो जाएगा कंप्यूटर साक्षरता एवं सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कंप्यूटर दूरसंचार एवं सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सोलह नंबर पूछा है दोस्तों, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यहाँ देखिए, हमारा आंसर हो जाएगा नीदर
सी चौधरी, निधर सी चौधरी। 17 नंबर पूछा है दोस्तों विश्व मोहिनी क्या है, तो विश्व मोहिनी दोस्तों क्या है, तो यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा एक भारतीय जहाज है विश्व मोहिनी। 18 नंबर पूछा है भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को किस अवधि के भीतर भरा जाता है, तो दोस्तों यदि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल रिक्त हो तो किस अवधि के अंदर भर दिया जाता है इसको, तो इसको 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य होता है 6 माह के अंदर। राज्यसभा और लोकसभा में किसकी बिल पर समझौता न होने पर मामला सौंपा जाता है, तो राज्य और लोकसभा में दोस्तों किस बिल पर समझौता न होने पर मामला सौंपा जाता है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक के, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक को। 20 नंबर पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों देखिए VVI क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, तो यह हो जाएगा हमारा महासभा द्वारा, महासभा। 21 नंबर बोला है बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे दोस्तों, तो यहाँ देखिए हमारा आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म सही रूप से सम्मिलित है दोस्तों, तो यहाँ आपको देखना है सही रूप से कौन सा सम्मिलित है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 22 का दिन ए बंदगान यानी कि तुगलवंश, ये हमारा सही सम्मिलित है। 23 नंबर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में औद्योगिक विकास का साक्षी बनने वाला पहला एशियाई देश था, तो दोस्तों 23 का हमारा आंसर हो जाएगा जापान। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा हमारा वाई वी रेड्डी है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेषज्ञ को प्रदान किया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार किस विशेष व्यक्ति को प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो ये तो हम लोग 2-3 बार भी देख चुके हैं कि ये हमारा हो जाएगा खेल के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। 26 नंबर बोला है निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की है, तो कौन सी फसल रबी की है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की है, तो रबी की फसल कौन सी है दोस्तों यहाँ, तो रबी की फसल हमारी जो हो जाएगा रबर कपास चना, तो चना जो है हमारे रबी का फसल हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। 28 नंबर पूछा है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, तो यहाँ हमारा आंसर संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। 29 नंबर पूछा है मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, तो मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल को नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की कौन नियुक्ति करता है दोस्तों, तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है, किसको सौंपता है दोस्तों राष्ट्रपति त्यागपत्र, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, तो आप दोस्तों ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है, कौन सा ग्रह सूर्य के पृथ्वी के निकटतम है, तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, क्योंकि सूर्य का जुड़वा वहन भी कहा जाता है पृथ्वी को। 33 नंबर पूछा है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है दोस्तों रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो आगा खा कप जो है हॉकी से संबंधित है। खजुराहो किस राज्य में स्थित है, तो खजुराहो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 37 नंबर पूछा है दोस्तों कोंकण रेल परियोजना में निम्न में से किस राज्य सरकार की आर्थिक भागीदारी है, तो कोंकण रेल परियोजना में निम्न में से किस राज्य सरकार की आर्थिक भागीदारी है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर कर्नाटक। सुखोई किस प्रसिद्ध नाम है, सुखोई एक प्रसिद्ध नाम क्या है दोस्तों, तो सुखोई एक प्रसिद्ध नाम है लड़ाकू विमान का। सिकंदर और गुरु के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ, तो सिकंदर और पुरु के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा हमारा बिस्ता बित सत्ता।
40 नंबर पूछा है दोस्तों, इंडिया विंग फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो इंडिया विंग फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद है, अबुल कलाम आजाद। 41 नंबर पूछा है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया दोस्तों? तो यह हो जाएगा हमारा सर शैव धर्म को, यानी कि शैव धर्म, शंकर की पूजा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। सार्क का मुख्यालय स्थित है, तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। 45 नंबर पूछा है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफार खान को जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से। शाहजहां का प्रारंभिक नाम था, तो शाहजहां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हो जाएगा खुर्रम। 47 नंबर पूछा है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं, तो सदस्य कितने मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में? तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। 48 पूछा है दोस्तों, संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया 42वें संशोधन में दोस्तों? तो यह हो जाएगा हमारा धर्मनिरपेक्षता। लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो 552 हो सकते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ 1 से लेकर के 50 तक देख लिया, और एक सेट देखेंगे जिसमें 1 से 50 तक होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 से 50 तक सेट। और तो बोला है दोस्तों इसमें किस गवर्नर जनरल ने दोस्तों राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1930 ईस्वी में सती प्रथा को भारत में प्रतिबंध किया? तो दोस्तों यह हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। दूसरा बोला, निम्नलिखित में से किसको जैन धर्म का 24वां तीर्थकर माना जाता है? तो किसको जैन धर्म का 24वां तीर्थकर माना जाता है दोस्तों? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा महावीर को। तीनवा बोला, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन बाबर का समकालीन नहीं था? तो कौन बाबर का समकालीन नहीं है दोस्तों इसमें? तो यहाँ देख लीजिए हमारा हो जाएगा आंसर जलाल खान नुहानी है। चार नंबर पूछा है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सूची वन सूची टू को मिलाना है, तो आप इसे आसानी से मिला सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी कि ए का टू होगा, यानी कि रामायण जो है बदायूनी से है, अर्थवेद जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा इब्राहिम सरहिंद से, और लीलावती जो है लीलावती हमारा हो जाएगा फैजी से, और भगवान भागवत पुराण जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा टोडरमल से। तो आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा दोस्तों थोड़ा पुश करके वीडियो। देखिए पांच नंबर बोला है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कलानौर में हुआ था, कलानौर। छ नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से अमेरिकी सभ्यता की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ क्या है? तो निम्नलिखित में से अमेरिकी सभ्यता की वैज्ञानिक उपलब्धि या उपलब्धियाँ क्या है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्रयुक्त सभी, यानी कि गणित का ज्ञान, औषधि का विकास और चित्र लिपि का आविष्कार। सात नंबर पूछा है दोस्तों, हड़प्पावासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय निम्नलिखित में से क्या है? तो मृण मूर्तियों के विषय निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ भी आप कूट का प्रयोग करके आसानी से इसको देख लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको आंसर बता दूँ, 2, 3 और 5 जो है हमारा सही होगा, यानी कि खिलौना, पूजा पीर्थ, पशु, और पांचवा जगह मानव आकृति। आठ नंबर पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित बादशाहों का सही कालक्रम क्या था? दोस्तों निम्नलिखित बादशाहों का सही कार्यक्रम क्या था? तो इसमें भी आपको मिलाना है, तो इसको आप मिला लीजिएगा दोस्तों 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट होगा, इसको आरोही क्रम बोला है सजाने को।
नौ नंबर पूछा है 5 मई 1908 को किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम कांड में मुकदमा चलाने के लिए जेल भेज दिया गया था, तो वो कौन है दोस्तों, तो अरविंद घोष को 5 मई 1908 को किस क्रांति के अलीपुर बम कांड में मुकदमा चलाने के लिए जेल भेज गया था, अरविंद घोष थे। 10 नंबर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है, यानी कि कौन सा सुमेलित गलत है यानी कि नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा डी कौशिकी ब्राह्मण पुरोहित। 11 पूछा है बिहू नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिहू नामक पुस्तक जो है दोस्तों असम में मनाया जाता है। 12 नंबर पूछा है अंकोरवाट मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, यह मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह मंदिर जो है दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। इतिहासकारों ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसको परास्त विरोधी बातों का मिश्रण कहा है, तो दोस्तों यहाँ आंसर जो है हमारा मोहम्मद तुगलक। लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों, तो लोथल आप जानते हैं कि गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति होने का सही क्रम बताएं, तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों सबसे पहले कौन है उसका सही क्रम बताने को यहाँ पूछा है, तो यहाँ हो जाएगा जाकिर हुसैन, उसके बाद हो जाएगा J.S. पाठक, उसके बाद हो जाएगा B.D. पति, उसके बाद R. वेंकट रमन, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सही कालक्रम होगा, तो निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या होगा 16 का, तो 16 का हो जाएगा इंदिरा यानी कि गांधी इरविन समझौता। निम्नलिखित में सही कार्यक्रम क्या होगा, तो चलिए इसको देखते हैं क्या होगा सही कार्यक्रम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 16 का दोस्तों हो जाएगा सही कार्यक्रम 16 का हो जाएगा डी यानी कि पहले 2 होगा उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद 1, इसको पुश करके लिख लीजिएगा 2 3 4 1, उसके बाद यहाँ से मिला लीजिएगा 2 3 4, पहले होगा 2 3 4 उसके बाद 1 होगा इसका कार्यक्रम, यानी कि सबसे पहले साइमन कमीशन, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद कम्युनिस्ट अवार्ड। 17 नंबर पूछा है दोस्तों 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा वेदारा की लड़ाई। 18 पूछा है सर्वोच्च न्यायालय की बैठक नई दिल्ली में होता है, यह अन्यंत्र भी हो सकती है, तो अन्यंत्र भी हो सकती है, क्या हो सकती है दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा यदि राष्ट्रपति इसका अनुमोदन कर दे तो। 19 नंबर पूछा है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई धनराशि व्यय की जा सकती है, तो किसके, तो यह संसद के अनुमोदन के बिना। बाणभट्ट किसके दरबार में थे, तो बाणभट्ट दोस्तों यहाँ हर्षवर्धन के दरबार में थे। इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ के किसके शासनकाल की जानकारी मिलती है, तो इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा समुद्र गुप्त की। 22 नंबर पूछा है किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो होगा कल्पना साहित्य खेलन। 23 नंबर पूछा है भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है, तो किसके कारण भारत में बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है दोस्तों, तो आपको पता होगा कृषि क्षेत्र में। 24 पूछा है निम्नलिखित में से किसकी क्षमता करने वाला इसका सदस्य नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता करने वाला इसका सदस्य नहीं होता है दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा राज्यसभा। सुमेलित कीजिए दोस्तों, तो सुमेलित करने के लिए आपको यहाँ हो जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा सुमेलित और इसको लिख करके यहाँ देख लीजिए, हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। 26 पूछा है साइबर सिटी के नाम से मशहूर है, तो साइबर सिटी के नाम से मशहूर कौन सा स्टेट है दोस्तों, तो हैदराबाद है। कचटिबू द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो कचटिबू द्वीप विवाद निम्न किन दो देशों के मध्य है दोस्तों, तो यहाँ आप पता होगा कि श्रीलंका और भारत के बीच है। 28 पूछा है मोहम्मद गौरी के सैन्य जनरल बख्तियार खिजली के बंगाल विजय के समय कहाँ का शासक
कौन था वहाँ का शासन कौन था? तो मोहम्मद गोरी के सैन्य जनरल बख्तियार खिजली के बंगाल विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो बहुत ही डिफिकल्टी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ हम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ लक्ष्मण सेन है। किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए दोस्तों? तो यहाँ देखिए हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 30 नंबर पूछा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बताया था? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बताया था? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। 31 पूछे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। ओटावा राजधानी है, तो ओटावा किसकी राजधानी है दोस्तों? तो यह हो जाएगा कनाडा की राजधानी ओटावा है। 33 पूछा है, बाल्टिक सागर को उत्तरी समुद्र से गिरने वाली नहर कौन सी है? तो बाल्टिक सागर को उत्तरी समुद्र से गिरने वाली नहर कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा हमारा कील नहर। टुंड्रा प्रदेश का सबसे प्रमुख व्यवसाय है, तो टुंड्रा प्रदेश का सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो हो जाएगा अखेट। 35 पूछा है, एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो एस्किमो दोस्तों कहाँ रहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कनाडा एवं अलास्का में, कनाडा एवं अलास्का में। किस देश की स्थल सीमा भारत के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो किस देश की स्थल सीमा भारत के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? नेपानगर संबंधित है, तो नेपानगर किस लिए संबंधित है? यहाँ कागजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो बुल्स आई जो है दोस्तों निशानेबाजी से संबंधित है। भारत का टैंक रोधी प्रक्षेपात्र कौन सा है? तो टैंक रोधी प्रक्षेपात्र जो है नाग है। 41 में, निम्न में से कौन सा बौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ था? तो कौन सा दोस्तों बौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ था? तो त्रिपिटक था, त्रिपिटक। भारत का आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है, तो कौन भारत का आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा नागार्जुन। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गति के नियम का प्रतिपादन दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर न्यूटन किया था। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। वर्षा की बूंदों का गोल होने के कारण क्या है? तो वर्षा की बूंदों का गोल होने के कारण पृष्ठ तनाव है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है। 46 नंबर देखिए दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट जल को, पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या कहते हैं? कीटाणु रहित बनाता है। कंप्यूटर का चिप किस पदार्थ का बना होता है? तो कंप्यूटर का पदार्थ दोस्तों सिलिकॉन का बना होता है। मैग मेसे पुरस्कार किस देश का सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो मैग मेसे पुरस्कार किस देश के सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा फिलीपींस के द्वारा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंड सेन था। 50 पूछा है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने 1 से 100 तक क्वेश्चन आसानी से इसको समझ गए होंगे। दोस्तों अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो तो आप इसको 2 बार 1-2 दिन बाद देख लीजिएगा, ताकि आपको 100% यहाँ से याद हो जाए दोस्तों। और मैं इस टाइप का 5 वीडियो बना करके डाल दिया है, कम से कम 500 क्वेश्चन आपको 100% याद करने हो तो आप 2-5 वीडियो देख जाइए, ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। थैंक यू, जय हिंद।